हेलो दोस्तों, क्लास 10th के एपी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एस एन जो है वो डिनोट करता है क्या? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका मतलब है एस एन ये बता रहा है कि भाई एस एन जो है वो ये है, जो कि हमें पता है फॉर्मूला एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब कह रहा प्रूफ करिए, प्रूफ दैट एस ट्वेल्व मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एस एट माइनस एस फोर। अब क्या करना है, ये बराबर ये प्रूफ करना है। अब हमें पता है कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे हम जा सकते हैं सॉल्व करने के बाद, पर एस ट्वेल्व को खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरफ। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे और प्रूफ करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को दिखा देंगे। तो सबसे पहले जो वैल्यूज जो निकालनी है, एस ट्वेल्व एस एट एस फोर जो हमें दिख रहे हैं, ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो देखिए एस ट्वेल्व यदि मैं निकालूं 12/2, अब 12 है ना, तो ये 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी हमें नहीं पता लेकिन n हमें पता है, ठीक है ना। इसको और आगे सॉल्व किया हमने तो कितना आ जाएगा, देखो ये 6 हो गया 2a प्लस 11d, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 12a प्लस 66d। तो एस ट्वेल्व तो भाई ये निकल के आ गया। इसी तरीके से एस एट भी दिया हुआ है तो एस एट निकालते हैं। तो एन बाई टू मतलब 8/2, 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, और सॉल्व करें तो 4 2a प्लस 7d, तो ये हो जाएगा 8a प्लस 7 4 जा 28d। तो एस एट भी निकल के आ गया। चलो अब क्या निकालना है, एस फोर। एस फोर यदि निकालें तो 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3d। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 4a प्लस 6d, तो एस फोर भी निकाल लिया। मतलब सवाल में जो प्रूफ करना है, जो वैल्यूज हैं वो हमने पहले ही निकाल के रख ली। अब क्या करने वाले हैं, अब जब वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास तो हमें क्या करना है, हमें लेना है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है, 3 टाइम्स ऑफ एस एट माइनस एस फोर। तो 3 टाइम्स ऑफ एस एट माइनस एस फोर, एस एट की हमने वैल्यू निकाल के रख ली पहली। एस एट की वैल्यू क्या थी, 8a प्लस 28d। देखो ये रहे एस एट की वैल्यू, माइनस एस फोर की वैल्यू क्या है, एस फोर की वैल्यू ये रही, तो माइनस 4a प्लस 6d। इसको आगे सॉल्व करें तो देखिए 8a माइनस 4a ये हो जाएगा 4a, 28d माइनस 6d कितना हो जाएगा 22d। इसको और आगे सॉल्व करें, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12a, और 22 3 जा कितना हो जाएगा 66d। अब यदि ध्यान से आप देखो ये जो वैल्यू निकल के आई है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू जब हमने सॉल्व की है, राइट हैंड वाले को इक्वेशन को सॉल्व किया है तो ये निकल के आया। और ये क्या है ध्यान से देखो, 12a प्लस 66d ये क्या है, एस ट्वेल्व, और ये एस ट्वेल्व क्या था हमारा, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, सारी वैल्यूज निकालने के बाद राइट हैंड साइड को लिया, उसको सॉल्व करते गए, और सॉल्व करते करते हमारा आंसर आ गया जो लेफ्ट हैंड साइड में लाना था। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर एस वन एस टू एस थ्री रेस्पेक्टिवली। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेस, 3 एपीज हैं और उनके फर्स्ट एन टर्म्स जो हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स उसको डिनोट किया, शो किया एस वन एस टू और एस थ्री से। द फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंसेस आर 1, 2, 3। अब हुआ क्या, तीनों एपीज स्टार्ट हो रही हैं 1 से, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, कॉमन डिफरेंस जो है पहले एपी का 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 3 है। तो देखते हैं पहली जो एपी है उसके सम को शो किया है एस वन से। ये एस वन का मतलब ये नहीं सम ऑफ वन टर्म, ये शो किया है एस वन का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एपी, ठीक है ना। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सम ऑफ 2 टर्म है, सम ऑफ 3 टर्म है, नहीं, ये शो किया है एस वन एस टू एस थ्री। तो एस वन क्या है, पहला टर्म तो 1 है और डिफरेंस भी 1 का है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। इसी प्रकार से एस टू क्या है, एस टू जो सम ऑफ सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो पहला टर्म तो 1 है लेकिन डिफरेंस है 2 का, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस इसी तरीके से अप टू
एन टर्म्स। अब यदि ध्यान से देखें तो एस थ्री भी इसी तरीके से, पहला टर्म तो वन है लेकिन डिफरेंस कितने का है, थ्री का, तो पहला टर्म वन है तो दूसरा फोर होगा, तीसरा सेवन होगा, चौथा टर्म क्या होगा टेन, फिर थर्टीन, और इसी तरीके से तीन तीन के गैप पर ये है। अब ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट एस वन प्लस एस थ्री इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एस टू। इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट ए पी, मतलब इसका जो सम निकल के आएगा, और S3 मतलब इसका जो सम निकल के आएगा, इन दोनों का जो सम है वो टू टाइम्स होगा इस S2 के सम से। तो हमें क्या करना है, ये सम हमें निकाल लेने हैं। तो S1 का यदि हम सम निकालें तो n बाई टू, इसका निकाल रहा हूँ S1, S1 n बाई टू, टू ए, ए कितना है वन, टू ए, फिर आएगा प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है वन। इसको आगे यदि सॉल्व किया आपने तो n बाई टू, टू प्लस n माइनस वन, और आगे सॉल्व करिए तो n बाई टू वन प्लस n निकल के आ गया, ये n बाई टू वन प्लस n। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, s2 निकालते हैं, s2 मतलब इस AP का सम s2, तो s2 क्या होगा n बाई टू टू ए, तो देखो ए तो वन है, प्लस एन माइनस वन, यहाँ डी चेंज हो जाएगा, डी हमारा क्या यहाँ पे टू है। आगे सॉल्व किया एन बाई टू, टू प्लस, अब देखो टू का मल्टीप्लाई होगा तो टू एन माइनस टू, इस टू से ये टू कट गया, मतलब आया एन बाई टू, अच्छा इस टू से, चलो आगे सॉल्व करते हैं, इस टू से ये टू भी कट जाएगा, मतलब बचा केवल एन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से एस थ्री, ये एस थ्री क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है इसके सम को, सम ऑफ थ्री टर्म्स नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो S3 निकाला तो n बाई टू, ए जो है हमारा वन है, n माइनस वन, डी हमारा यहाँ पे थ्री है, तो आगे सॉल्व करेंगे n बाई टू, टू प्लस थ्री एन माइनस थ्री, और आगे सॉल्व करने गए तो n बाई टू, अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा, थ्री एन माइनस वन। अब जब हम S1, S2, S3 निकाल चुके हैं तो अब प्रूफ करते हैं। देखो S1 प्लस S3 है तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारा S1 प्लस S3, तो S1 की वैल्यू कितनी है वो रख देंगे, S1 की वैल्यू है n बाई टू वन प्लस n, प्लस S3 की वैल्यू कितनी है n बाई टू थ्री एन माइनस वन, ये है। अब इसको आगे सॉल्व यदि करें तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा n प्लस एन स्क्वायर बाई टू, प्लस इसी तरीके से थ्री एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया n का दोनों में, और नीचे देखो 2 आएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, साइड में सॉल्व कर लेते हैं, इधर से यदि सॉल्व करें तो देखिए थ्री एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये कितना हो जाएगा फोर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस थ्री एन स्क्वायर फोर एन स्क्वायर, और इस एन से ये एन एन कट हो जाएगा, ठीक है। देखो नीचे टू है ना, जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर को एक साथ रखेंगे तो एन से एन कट जाएगा, थ्री एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर फोर एन स्क्वायर हो जाएगा। इसको यदि मैं आगे सॉल्व करूं तो बचेगा केवल क्या टू एन स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं टू को इस तरीके से रखूं और बचा क्या ये एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर किसका था ये S2 का, तो n स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रख दूंगा S2, क्योंकि n स्क्वायर किसकी वैल्यू थी S2 की वैल्यू थी, तो 2S2, और ये ध्यान से देखिए ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया और राइट हैंड साइड पे खत्म कर दिया। एक सवाल और देखते हैं, 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड इन फिनिश जॉब इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज, फोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डे। हुआ क्या, किसी एक काम के लिए 150 वर्कर्स को लाया गया, ठीक है, कि भैया 150 वर्कर्स लगेंगे किसी एक निश्चित काम को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो 150 वर्कर्स वर एंगेज इन फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, और एक फिक्स दिन में वो काम भी खत्म कर देंगे, चलिए ठीक है। पर हुआ क्या, अगले दिन चार वर्कर कम हो गए, 150 आए थे पहले दिन, चार कम हो गए, मतलब 146 रह गए, एंड सो ऑन, और ऐसे ही ड्रॉप आउट होते गए, मतलब कम होते गए, चार 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 150, 146, 142, 138, इस तरीके से चार चार वर्कर्स कम हुए। इट took 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। अब जो काम जितने निश्चित दिन में पूरा होना था, मान लेते हैं 10 दिन में पूरा होना था,
लेकिन अब कितने दिन हो गए, 8 more days टू फिनिश द वर्क। अब जो काम 10 दिन में खत्म हो रहा था मान लिया, अब वो होगा 18 दिन में। अभी क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। अब दिनों की संख्या निकाली जिन दिनों में वो जो काम था वो पूरा होने वाला था। यदि 150 वर्कर्स ही पूरे काम को करते रोज तो कितने दिनों में वो काम पूरा होता। तो पहले तो ये समझते हैं, यदि 150 वर्कर्स ही काम करते तो कितने दिनों में काम होता। मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स मान लेते हैं। यदि एक्स दिन में खत्म होता तो टोटल वर्क कितना होता हमारे पास। टोटल वर्क देखें तो 150 इंटू एक्स, भाई 150 वर्कर्स थे, एक्स दिन काम करेंगे तो वर्क कितना होगा, 150x हो जाएगा। तो इतना वर्क था। या दूसरे वे में आप ऐसे समझ लो कि भाई पहले दिन 150 वर्कर्स काम करेंगे, दूसरे दिन 150 करेंगे, तीसरे दिन 150 करेंगे, तो जितने दिन काम करेंगे तो नंबर ऑफ वर्कर्स है ये, क्या है नंबर ऑफ वर्कर्स, या तो टोटल वर्क कर दो नहीं तो इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स। भाई पहले दिन 150, दो दिन मान लो 3 दिन में वर्क पूरा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 150 पहले दिन, दूसरे दिन 150, तीसरे दिन 150। तो ये एक्स तो डेज है, तो 3 दिन यदि काम पूरा होता है 3 दिनों में तो 450 वर्कर्स लग गए, है ना। तो वर्कर्स की संख्या एक निश्चित होगी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वर्कर्स कह लो या टोटल वर्क। अब हुआ क्या, अब ऐसा तो हुआ नहीं, वर्कर्स कम होते चले गए, 150, 146, 142, 138 इस तरीके से कम होते चले गए, अप टू कितने दिनों के लिए, भाई एक्स तो था ही, 8 दिन और लग गए। तो जो काम x डेज में खत्म होना था वो x प्लस 8 डेज तक खिंच गया। तो हमें क्या करना है, अब आप देखो गैप सेम है तो हम क्या करते हैं सम निकाल लेते हैं। मैंने क्या बताया, ये क्या है पहले, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, और यहां पर भी ये क्या निकलने वाला है, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो भाई निश्चित वर्कर्स ही उस काम को पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल लेते हैं, या ये कह लो ये टोटल वर्क होगा। ये तो कैसे निकालेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे कि n by 2, n कितना है, x plus 8 by 2, n x plus 8 है, 2a, 2 into 150, plus n minus 1, मतलब x plus 8 minus 1, अब into d, d कितना है, ध्यान से देखिए, minus 4 है, 150, 146, 142, तो minus 4 है, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे आगे, तो x प्लस 8 बाई 2, अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 4 है, तो 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 मैंने ले लिया बाहर, देखिए यहाँ पर। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा है 150 प्लस ये बचा कितना, x प्लस 7 और ब्रैकेट में माइनस 2, इस 2 से ये 2 कट गया, तो x प्लस 8, 150, अब देखो x माइनस 2 मतलब माइनस 2x, माइनस 14, और आगे सॉल्व करिए, x प्लस 8 एक ब्रैकेट में, दूसरे में कितना हो जाएगा, ये देखो 150 माइनस 14 कितना होगा, 136 माइनस 2x। अब इसके आगे भी आप सॉल्व करना चाहो तो चलो 2 और कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया, तो x 2 इंटू एक्स प्लस 8, 2 आपने यहां से कॉमन लिया है, तो यहां क्या बचेगा, 68 माइनस एक्स। तो ये निकल के आ गया नंबर ऑफ वर्कर्स कह लो या टोटल वर्क कह लो, और ये भी नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसको हम रख देंगे बराबर। तो बराबर जब रखेंगे तो कैसे रखेंगे, 2x प्लस 8, 68 माइनस एक्स इक्वल्स टू 150x। तो यहां क्या बचा, यहां बचा x प्लस 8 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 68 माइनस एक्स, 2 गया नीचे 150x के, तो ये बचा 75x। और आगे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 68x माइनस के एक्स स्क्वायर, 68 इंटू 8 करेंगे, 88 या 64 होगा, 4 6 बचा, तो 8 6 जाओ आपका हो जाएगा 48, 48 प्लस 6 मतलब हो गया 54, और ये माइनस 8x इक्वल्स टू 75x। अब इसको सॉल्व करिए, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर, चलो यहाँ रख लेता हूँ, सबको एक तरफ कर लेता हूँ पहले, अब ये क्या हो गया, ये इसको लेते हैं माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाए माइनस 7x और ये माइनस 8x, माइनस 7x आएगा, माइनस 7x और माइनस 8x कितना हो जाएगा, माइनस 15x, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया माइनस का, तो हो जाएगा 15x।
554 प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। अब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 554 का जब आप फैक्टर निकालोगे तो निकल के आएगा 32 इंटू 17, और 32x माइनस 17x करेंगे तो ये आ रहा है। इसको यदि आगे सॉल्व करें तो अब x की वैल्यू क्या निकल के आई, एक तो 17 निकल के आई और एक आपकी निकल के आ रही है माइनस 32। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई नंबर ऑफ डेज नेवर बी नेगेटिव, तो ये तो हो जाएगा आपका कैंसिल। तो क्या हो गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 17। तो 17 दिनों में जो है वो काम होने वाला था पहले, लेकिन अब कितने दिनों में होगा, 17 प्लस 8 25 डेज, मतलब जो काम 17 दिनों में होना था वो अब होगा 25 डेज में। अगला सवाल देखते हैं, द एंगल्स ऑफ पॉलीगन आर इन AP। एक पॉलीगन है, पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। एक क्लोज फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट की मदद से बनता है, जैसे कि ट्राइंगल हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ, पेंटागन हुआ, हेक्सागन हुआ, ये सारे क्लोज्ड हैं और लाइन सेगमेंट से बने, तो ये सारे पॉलीगन है आपके, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ पॉलीगन आर एन AP, उस AP उस पॉलीगन में जितने भी एंगल्स हैं वो AP में है। अब AP में है मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो कैसे डिफरेंस सेम है, विथ कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री, उसमें जितने भी एंगल्स हैं उनके बीच में 5 डिग्री का हमेशा अंतर आ रहा है, हर एक एंगल्स के बीच में डिफरेंस है 5 5 5 का। इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, अब देखिए सबसे छोटा एंगल कितने का है, स्मॉलेस्ट कह रहा है तो 120 सबसे छोटा, तो उससे बड़ा, इससे छोटा तो नहीं हो सकता, इससे बड़ा एंगल कौन सा होगा, 125, क्यों, डिफरेंस 5 का है, उससे बड़ा कितना होगा 130। इस तरीके से ये एंगल है उस पॉलीगन के। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन, हमें पता करना है कि जो पॉलीगन है उसमें कितनी साइड्स हैं। अब जैसे मान लो कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 होती हैं, पेंटागन में 5 होती हैं, तो हमें ये पता करना है कितने साइडेड पॉलीगन है वो। तो अब कैसे पता करेंगे, तो देखिए पहला तो हमें पता है n-2 × 180 क्या है, ये है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ दैट पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है उसके जितने भी एंगल्स हैं उसका सम कितना होगा ये फॉर्मूला बता देता है। तो यहां से भी हमें क्या पता चलने वाला है, उस पॉलीगन के एंगल्स का सम, और ये भी हमें क्या देता है, किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम। कैसे, अब देखो ट्राइंगल का आपका पता है कि 180 होता है, तो ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3, तो 3 आप रखिए, 3-2 1, 1 × 180 180, तो देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो ये फॉर्मूला हमें बताता है कि पॉलीगन के एंगल्स का कितना सम होगा। अब जैसे मान लो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल भी आपको पता है 360 होता है, तो जरा रखो 4-2, 4 साइडेड होता है ना क्वाड्रिलेटरल, 4-2 कितना होगा 2, 2 × 180 360, तो ये फॉर्मूला बताएगा। अब हमें पता नहीं है पॉलीगन कौन सा है, तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया n फॉर नंबर ऑफ साइड्स, और एक हम ये क्या बताएगा, सम ऑफ द एंगल्स, और ये भी क्या बताएगा, सम ऑफ द एंगल्स। तो इसका जरा निकालते हैं, सम निकालते हैं, तो n/2 2a मतलब 240 प्लस n-1 × d कितना है 5। अब इसको आगे सॉल्व यदि करें तो n/2 240 प्लस 5n-5 n/2 240 235, 5 माइनस कर देते हैं, 235 प्लस 5n। अब एक तो आपका ये निकल के आ गया, तो इसको डाल देंगे सेकंड, दोनों ही जब सम बता रहे हैं तो दोनों को हम रख देंगे इक्वल्स में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब बराबर रखेंगे तो n/2 235 प्लस 5n इक्वल्स टू n-2 × 180। अब आगे मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो n का मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, 235n प्लस 5n स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 360n/2, और आगे सॉल्व करें 360n-720, और आगे यदि सॉल्व करिए तो 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720 इक्वल्स टू 0, 5n स्क्वायर माइनस के हो जाएगा आपका 125n प्लस 720 इक्वल्स टू 0, 5 से डिवाइड कर दो बोथ साइड तो ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस कितना 25n प्लस ये हो जाएगा 144, 5 से डिवाइड करने पे।
अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n, क्योंकि देखो 16 इंटू 9 144, और इनको माइनस करने पे आ रहा है 25। अब क्या हुआ, n माइनस 16 और इधर 9 लूंगा तो n माइनस 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू दो आ रही है, 16 भी और 9 भी, तो दोनों ही पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। लेकिन आंसर आ चुका है, 16 साइडेड पॉलीगन भी हो सकता है और 9 साइडेड पॉलीगन भी, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक आंसर हो। तो ये सारा कुछ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।